हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। और दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के बाद दो बड़ी यूनिवर्सिटी ने भी अपने प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और फाइनल ईयर के जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से ये न्यूज़ आ रही है जानेंगे हम यहाँ पर विस्तार से। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एडमिशन और रिजल्ट से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर जो है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा तथा उससे एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए। आप देख सकते होंगे यहाँ पर कल दिनांक 16 अक्टूबर को ही, जी हाँ दोस्तों, कल 16 अक्टूबर थी और कल रात में ही यहाँ पर बीकॉम पार्ट थ्री, आप देख सकते होंगे बीकॉम पार्ट थ्री का रिजल्ट जारी किया है। और कल ही एमजेपीआरयू बरेली ने भी बीकॉम पार्ट थ्री का जो रिजल्ट है वो जारी किया था। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी के बीकॉम फाइनल ईयर का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। इसके साथ ही आज रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के दो बड़े कोर्सेज के रिजल्ट जारी होने वाले हैं। तो दोस्तों, उन दो कोर्सेज के रिजल्ट के बारे में जो जानकारी है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से कोर्स के रिजल्ट जारी होंगे। इसके साथ ही जैसे ही रिजल्ट आएंगे आपको वीडियो के माध्यम से दोबारा अवगत करा दिया जाएगा। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे अगली यूनिवर्सिटी के बारे में, उस यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन कौन से कोर्स के रिजल्ट जारी किए गए। और दोस्तों, यहां पर जो अगली यूनिवर्सिटी है वो है सीसीएसयू मेरठ। जी हां दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के सभी स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दें, यहां पर प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के जो रिजल्ट हैं वो जारी किए गए। ये आज 17 अक्टूबर की लेटेस्ट अपडेट है, इसे आप अमर उजाला न्यूज़पेपर में रीड कर सकते हैं। बीबीए, बीसीए, एमसीए का रिजल्ट जो है वो सीसीएसयू की तरफ से जारी कर दिया है। सभी स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दें। इसके साथ साथ यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है सीसीएसयू कैंपस यानी कि यूनिवर्सिटी कैंपस और कॉलेजों में बीबीए, बीसीए द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर का आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। और ये जो रिजल्ट है ये आप आज 17 अक्टूबर से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके अलावा एमसीए द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर आप देख सकते होंगे, द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इनके रिजल्ट भी यहाँ पर जारी किए गए हैं, आप देख सकते होंगे। इसके अलावा देख लीजिए वीएससी फूड माइक्रो सेफ्टी एंड कंट्रोल प्रथम वर्ष का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ये तीनों रिजल्ट आप शनिवार से विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे दो बड़ी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के रिजल्ट, जिसके बारे में जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी तरह से जुड़ी हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।